नमस्ते दोस्तों, मैं अवनिंद्र अरविंद फिर आपको लाइटरूम की जादुई दुनिया में ले जाने आया हूँ। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि एडजस्टमेंट ब्रश में जैसे हम पोर्ट्रेट का टचअप करते हैं, क्लैरिटी वगैरह करके एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। उसमें और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस थे और वो ऑप्शंस हम आज नहीं देखेंगे। आज हम देखेंगे ऑटो मास्क, फ्लो और डेंसिटी। स्पेशलिटी है कैसे ऑटो मास्क करते हैं, कैसे डेंसिटी सेट करते हैं, क्या फ्लो है, फीदरिंग क्या चीज़ है, वो सब हम देखेंगे। चले फिर लाइटरूम की जादुई दुनिया में। जी हाँ, ये फ़ोटो है, मेरा लैंडस्केप का एक फ़ोटो है। इसमें मैंने कुछ करेक्शंस किया नहीं है, अभी तो फ़िलहाल सब जीरो पे है। यहाँ पे एवरीथिंग इज़ जीरो। पर अब इसमें हम नॉर्मली एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट्स करके हम करेक्शंस करके हम आ सकते हैं इस फ़ोटो के ऊपर। ये हो गया करेक्शन, जैसे हमने आपको देखेंगे यहाँ पे कि हाईलाइट्स, शेडोज़ वगैरह करेक्शंस करके मैं यहाँ इस जगह पहुँच गया हूँ। ठीक है, ये अपना रेगुलर बेसिक करेक्शंस में काम हुआ है, पर इसमें अभी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा तो आपको ध्यान में आएगा। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ये नीचे का एरिया जो है ये काफ़ी ब्राइट है, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है ये जो बीच का एरिया है वो डार्कर साइड में है। जी हाँ, माना वो थोड़ा सा सन के बैकलिट में थोड़ा डार्कर रहना चाहिए। उसी तरह ये मैडम जो है वो भी डार्कर एरिया में है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे जो बादल है, सो वाइट बादल जो है, सफ़ेद बादल है, उसमें अगर थोड़ी जान आ जाए, थोड़ा सा ब्लैक और वाइट्स में थोड़ा मज़ा आ जाए तो इम्प्रूव आ जाएगी। ये जो डोंगर है वो थोड़ा सा वॉश्ड आउट दिख रही है, जो क्लाउड्स के अंदर पीछे छुप गई है, उसमें अगर मज़ा आ जाए। अगर हम इसको ऐसे कर दे तो ऊपर से हम जो आगे ग्रेजुएट फिल्टर डाल दें यहाँ से ऊपर से, तो ये ग्रेजुएट फिल्टर का ये बटन है, बीच में एम दबा से कीबोर्ड पे एम दबा देंगे वो चालू हो जाएगी। यहाँ से ऊपर से हम नीचे उतार देते हैं। यहाँ पे ये हो गया ग्रेजुएट फिल्टर का विंडो ओपन हो गई, राइट। इसमें हमको क्या करना है, जी हाँ, इसमें थोड़ा सा डीहेज कर देंगे, थोड़ा कम कर देंगे, थोड़ा क्लैरिटी कर देंगे और टेक्स्चर दे देंगे। एक्सपोजर थोड़ा माइनस साइड में, ओके। और थोड़ा अगर हम आकाश जो ब्लू कर दे तो इसको ये -10 या -15 कर देता हूँ, ज़्यादा हो गया, -10 कर देता हूँ खाली। ये भी ज़्यादा दिख रहा है तो हम इसको सिर्फ -5 कर दे, ठीक है। ये आ गया। इसमें कैसे चलता है आपको याद हो तो यहाँ पे शो सिलेक्टेड मास्क ओवरले, तो ऊपर की तरफ कम्प्लीटली अप्लाई हुआ ये करेक्शन, नीचे की तरफ फीदरिंग करके यहाँ तक आ गया है, ओके। अब आप इसमें देखेंगे तो यह जो फीदरिंग जो हुई है, ओके, ये पेड़ में भी चढ़ी हुई है, तो पेड़ भी अपना ब्लू चढ़ गया, उसमें -डेंसिटी आ गई। पेड़ पहले से ही ब्लैक था, डोंगर में भी चढ़ गई है। यहाँ पे उसको कैसे निकालें तो हम यहाँ पे ब्रश ऑप्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे ब्रश पे क्लिक कर दें। यहाँ पे ब्रश में बाय डिफ़ॉल्ट ये प्लस में आ जाती है। स्क्रॉल, जैसे पहले आपको बताया मैंने, स्क्रॉल करके हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ऑल दबाओ तो ये माइनस में आ जाती है, माइनस में हम इसको माइनस कर दिए। इसका फ्लो हम 100% रखते हैं, थोड़ा फीदरिंग कम रखते हैं, और माइनस में हम यहाँ पे इस पेड़ में से एरिया जो फीदरिंग जो था, लाल एरिया जो है जिसमें हमने ग्रेजुएट फिल्टर डाला था, वो इसमें माइनस कर रहे हैं। ये हो गए माइनस, पेड़ में से हमने उसको निकाल दिया। अब आप बोलो कि मैं मास्किंग कैसे कर रहा हूँ, ये लाइटरूम जो है ये ऑटो मास्क में काम करता है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऑटो मास्क ऑन है, ओके। ऑटो मास्क कैसे काम करता है, यहाँ पे जो अपना सर्कल जो है यहाँ का, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये जो सर्कल है, बीच का जो सर्कल है, यहाँ पे माइनस लिखा हो क्योंकि मैंने ऑल दबा हुआ है, या फिर ऑल दबा दो तो प्लस हो जाती है। बीच का जो सर्कल है वो एरिया में जो भी कलर पिकअप होता है उसमें ऑटो मास्किंग बाय डिफ़ॉल्ट चालू हो जाती है और जो बाहर का जो बड़ा सर्कल जो है वो फिदरिंग एरिया में जाती है। अब इसका जो प्लस हो या ऑल दबाने के बाद माइनस हो जाए वो उतना कलर पिकअप करके उतने हिसाब से ऑटो मास्किंग कर देती है। इसको माइनस कर देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ ब्रश को। हमें पेट जो डोंगर है उसको भी माइनस ब्लू नहीं करना है, डार्कर भी नहीं करना है, तो हम इसमें भी माइनस कर देते हैं। ये डोंगर में से भी इसको माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे नीचे हो वो भी माइनस हो जाएगी, दिख तो नहीं रहा कि चल रहा है, ओके। बिगर ऑटो मास्क, बिगर पेन टूल के लेके बिगर फोटोशॉप में जाए, हम लाइटरूम के अंदर मास्किंग कर सकते हैं। अब ये शो सिलेक्टेड मास्क को ऑफ कर देता हूँ ताकि हमें दिखे क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने आकाश ब्लू कर दिया है, उसमें बादलों में थोड़ा कॉन्ट्रास्ट एडजस्टमेंट करके हमने उसमें थोड़ा सा जान लेके आए हैं, कॉन्ट्रास्ट में आ गया। ब्लू अभी ज़्यादा एक्सेस दिख रहा है वहाँ पे, तो शायद हम उसको सैचुरेशन किया था, तो उससे सैचुरेशन नहीं किया तो माइनस में तरफ चले जाते हैं, ओके, ठीक है। अभी अच्छा हो गया, ठीक, ये हो गया। इसको देखना क्या करना है, यहाँ पे बटन है नीचे, इसको ऑफ कर दिया। तो ये ऐसा था पहले, हम उसे अभी ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बादलों में जान आ गई। इसको हम करते हैं डन। दूसरा प्रॉब्लम इसमें है कि यहाँ का जो नीचे का एरिया जो है वो काफ़ी सारा ब्राइट है क्योंकि डायरेक्ट सूरज का रिफ्लेक्शन हमें आँख में दिख रही है बराबर, ठीक है। तो उसको क्या करें, इसको ठीक है, यहाँ पे हम ग्रेजुएट फिल्टर के बदले हम जाते हैं ब्रश मोड में, एडजस्टमेंट ब्रश में। एडजस्टमेंट ब्रश ले लिया, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट प्लस आ जाती है, इसको भी डबल क्लिक करके ये जीरो कर दिया। यहाँ का भी इसमें साइज़ है, फिदरिंग है, फ्लो है और ऑटो मास्क है। हम फ्लो भी 100% रखते हैं, फिदरिंग भी 100% रखते हैं, डेंसिटी 100% है। ये क्या चीज़ें हम मेरे को बताता हूँ मैं 2 मिनट में, अभी इसको पहले कर लेता हूँ, विल कम टू दैट। यहाँ पे हम चालू करते हैं इधर से एरिया को, ये हम डार्क जो ब्राइट एरिया जो हो गई है उसके ऊपर मैं माउस घुमा रहा हूँ क्लिक करके। ये हो गया, माउस घूम गई है पूरा, राइट। क्या हुआ है, शो सिलेक्टेड मास्क की तो बाकी रह गया, तो ऑन करके देख ले, इसमें ऑन हो गया, उसमें लाल पट्टी आ जाएगी उसके अंदर, ठीक है, राइट। ये हो गया, यहाँ पे अंदर घुस गया है तो ऑल दबा दिया, तो माइनस में आ गए, यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, इधर हमें नहीं चाहिए। ये हो गया माइनस, इनको भी माइनस, जो मैडम उनको भी माइनस कर दिया, यहाँ पेड़ में से भी माइनस हो गया और नीचे से भी माइनस हो गया क्योंकि हमें खाली ब्राइट एरिया है उसी को हमको डार्कर करना है, ठीक है। ऑल छोड़ दिया, शो सिलेक्टेड मास्क ऑप्शन ऑफ कर दिया। अभी हमें क्या करना है, हमें इसको ब्राइटर डार्कर करना है, तो क्या कैसे करें, जी हाँ, -0.7 कर दे, तो ये थोड़ा बहुत डार्क हो गया, नहीं काफ़ी सारा डार्क हो गया, इतना डार्क नहीं चाहिए हमें, तो -3 या -2 में काम होना चाहिए। ये -0.3 हो गया, ठीक है, ये डार्कर हो गया। क्या हुआ था इसमें, ये हो गया था इतना ब्राइट, उसको हम कर रहे हैं ब्राइटर डार्कर, ओके, ये डार्क हो गया, इसको भी हमने डन कर दिया। अभी प्रॉब्लम आती है, शायद आपको करना हो तो कर सकते हैं, ये जो बीच का एरिया जो है दैट एरिया इज डार्कर, नहीं भी कर तो अच्छा दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। शायद हम ब्रश यूज़ करें बगैर, हम खाली शैडोज यूज़ करके उसको ब्राइटर कर सकें। शैडोज को हम थोड़ा ब्राइटर कर देते हैं तो शायद में काम हो जाएगा। ये शैडोज को ब्राइटर हो गया थोड़ा सा, राइट, ओवरऑल पिक्चर में शैडोज ब्राइटर हो गई, ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, बस दिस शुड बी सफिशिएंट, ओके। एक बार हम ब्रश में जाएंगे, ये ब्रश ऑप्शन है, यहाँ पे हम स्पेशलिटी है ब्रश का साइज़ है, फिदरिंग है, फ्लो और डेंसिटी है एंड ऑटो मास्क है। ये सब क्या चीज़ है वो हम इस अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे इसको कुछ करेक्शन करना है तो ये -4 कर दो, -3 या -4 कर देता हूँ ताकि देखे क्या हो रहा है, ओके। ब्रश को -3 का सेटिंग कर देता हूँ, ये -3 हो गया ताकि काला दिख जाए क्या हो रहा है। यहाँ पे साइज़ है वो तो आपको पता है, ये साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है, तो हम इतनी साइज़ उसको 12 का साइज़ रख देता हूँ या 10 का साइज़ रख दिया, ये 10 का साइज़ हो गया। फिदरिंग 100% है, आपको या ध्यान हो फिदरिंग जो होता है फोटोशॉप में भी है, ये जो एरिया जो बीच का जो एरिया है उसके अंदर 100% इन्फॉर्मेशन आएगी, साइड में फिदरिंग आएगा। ठीक है, फिदरिंग 100% पे है, फ्लो भी 100% पे है, डेंसिटी भी 100% पे है। फिलहाल हम इसी पॉइंट पे चालू कर दें। मैंने यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और ये खींच के लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, ये हमने किया है -3 एक्सपोजर, ये पूरा -3 एक्सपोजर यहाँ पे आ गया। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमने -3 एक्सपोजर नहीं चाहिए रहती, या जो भी करेक्शन करें यहाँ पे जो भी करेक्शन हो इतना सारा नहीं चाहिए होगा, हमको आहिस्ता उसको बढ़ाना है। तो क्या करें, बाल्टी भरनी है तो क्या करते हैं हम नल छोटा कर देते हैं, आहिस्ता टप करके पानी बढ़ जाता है। उसी तरह अगर हम फ्लो कमती कर दें, समझो मैं फ्लो जी 22-25% कर देता हूँ, 25, तो क्या होगा, यहाँ पे हमने वापस दोबारा में घुमा रहा हूँ 25% में, ये हो गया 25% इसमें घूम गया, आपको दिख भी नहीं रही है। क्यों, मैं मतलब वापस शो सिलेक्टर ऑन कर देता हूँ ताकि मालूम पड़े क्या हुआ। सिलेक्टर यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, लिटरली हम आहिस्ता कलर करेक्शन कर रहे हैं। तो ये एक बार घुमाया, ये दूसरी बार घुमाया, ये तीसरी बार घुमा रहा हूँ मैं अभी, ये तीसरी बार घुमा रहा हूँ, 3 बार हो गया, ये अभी 4 बार घुमा रहा हूँ, आहिस्ता बिल्टअप हो रहा है। अगर मैं फ्लो 50% कर दूँ तो ये मैं नीचे निकाल रहा हूँ, ये 50% फ्लो में हम यहाँ पे घुमाया तो यहाँ पे कलर चढ़ गई, 1 बार हो गया, ये 2 बार वापस चढ़ा रहा हूँ, 3 बार चढ़ा रहा हूँ और ये 4 बार चढ़ाया। 4 बार चढ़ाने के बावजूद ये अभी तक 100% तक नहीं पहुँचा है, और ये अभी 25% में हम 5 या 6 बार घुमाए फिर भी हम तक कलर नहीं पहुँचा। इसका प्रीव्यू शो सिलेक्टेड मास्क ऑफ कर देता हूँ, इसमें आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया फ्लो। समझा आपको क्या फ्लो है? फ्लो मतलब नल बाल्टी भरनी है हमको, तो नल थोड़ा सा छोटा कर दिया, आहिस्ता थोड़ा पानी गिर के हम उसको बड़ा कर सकते हैं, बकेट भर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अभी ये हो गया डिलीट। ओके, हम आते हैं अभी फ्लो 100% कर देता हूँ, डेंसिटी भी 100% है। अभी डेंसिटी क्या चीज़ है? डेंसिटी जो है आपका बकेट है। बकेट के अंदर बकेट का साइज़ है, उससे ज़्यादा हम पानी भर नहीं सकते। यहाँ पे हमने -3 तो सेटिंग कर दिया है, तो यहाँ पे अगर मैं घुमा दूँ, ये ब्रश घुमा दूँ तो -3 उसका पूरा करेक्शन आ गया उसमें, क्योंकि फ्लो और डेंसिटी सब 100% में पड़ा है। पर अब हम काम करते हमें उनका इतना डेंसिटी नहीं चाहिए, आहिस्ता जैसे फ्लो की तरह आहिस्ता बढ़ाना है, या फिर हमें लिमिट करना है, -3 तक जाना ही नहीं है। तो कैसे करें हम? अगर ये डेंसिटी को 50% कर दें, और अगर मैं यहाँ पे अभी घुमा दूँ ब्रश को, ये ब्रश पे इसको घुमा दिया, तो ये वाला जो इन्फॉर्मेशन अभी जो डेंसिटी बनी है, ये एक्सपोजर जो है -3 था अपना, ये एक्सपोजर आ गया है -1.5। क्यों? क्योंकि हमारा डेंसिटी यहाँ पे हमने 50% रखी है। मैं अगर दोबारा इसके ऊपर घुमाऊँ वापस, जैसे हमने फ्लो में घुमाया था, दोबारा इसको वापस घुमा रहा हूँ मैं, तो क्या हुआ? ठीक है, बढ़ गया। हम तीसरी बार घुमा रहा हूँ, तीसरी बार भी घुमाया, चौथे बार घुमा रहा हूँ, 5वें बार घुमा रहा हूँ, 6ठे बार घुमा रहा हूँ। ध्यान में आया क्या हो रहा है? वो इस पॉइंट तक नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारी डेंसिटी 50% पे है। ये 100% डेंसिटी वाला था तो ये -3 ही रहेगा और ये -8 ही रहेगा। कितना भी कुछ भी करो ये 1.5 से -1.5 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ये हो गई डेंसिटी, समझ में आया? ठीक है, मतलब दोबारा मैं बता रहा हूँ, अभी डेंसिटी जो है आपने यहाँ पे जो भी सेटिंग रखी हुई है यहाँ पे डेंसिटी उसका परसेंटेज वाइज या परसेंटेज वाइज आपने हमें 50% रखा है तो 50% से ज़्यादा डेंसिटी बढ़ ही नहीं सकती। वही जो फ्लो है वो आहिस्ता आहिस्ता करेक्शंस बढ़ाएगी। -3 तो डेफिनेटली जाएगी अगर डेंसिटी यहाँ पे 100 है तो ये, और यहाँ पे इसको फ्लो को 20% रखा है तो आहिस्ता 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 बढ़ा के हम उसको 100% से -3 तक लेके आ सकते हैं क्योंकि डेंसिटी 100% है। और दोनों साथ में काम करें, समझो हम फ्लो भी काम करें और डेंसिटी भी काम करें, ऐसा भी हो सकता है। इसमें क्या मज़ा आ जाए कि हम 50% डेंसिटी -1.5 से ज़्यादा बढ़े ही नहीं और फ्लो आहिस्ता आहिस्ता रखें तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ सके। फिलहाल मैं वापस फ्लो और डेंसिटी 100% कर देता हूँ। अभी हम आते हैं ऑटो मास्क के ऊपर। ऑटो मास्क क्या चीज़ है? ऑटो मास्क जो है यहाँ पे जो ब्रश आती है अपनी, यहाँ पे जो सेंटर का जो प्लस लिखा हुआ एरिया या फिर हम ऑल दबाएंगे तो माइनस लिखा हुआ जो एरिया है उसके ऊपर जो कलर जो है उसका करेक्शन इन्फॉर्मेशन लेके उसके हिसाब से वो कलर करेक्शन करेगा। कैसे? हमें अभी डोंगर को कुछ कलर देंगे। एक्सपोजर -3 हम सेट किया हुआ हो, फ्लो 100% है, डेंसिटी 100% है। मैं यहाँ पे प्लस करके, प्लस तो है अपना, यहाँ पे क्लिक करके डोंगर के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पे घुमा रहा हूँ। ओके, अब देखोगे ये डोंगर के बाहर नहीं गया। ब्रश छोटा कर रहा हूँ, इस तरफ भी बाहर निकाल रहा हूँ थोड़ा सा, ये डोंगर के बाहर नहीं जा रहा है। ये ऑटो मास्क काम कर रहा है। जी हाँ, लाइटरूम के अंदर फोटोशॉप का काम हो रहा है। ये डोंगर के बाहर नहीं जा रहा है, थोड़ा भी नहीं गया बाहर, फिदरिंग रहने के बावजूद। यहाँ पे भी थोड़ा दे देते, ब्रश छोटा कर दिया, यहाँ पे भी ब्रश घुमा दिया। देखा, यहाँ पे भी करेक्शन हो गया, कॉर्नर बाकी रह गया, यहाँ पे कॉर्नर बाकी रह गया। हमें तो -3 तो चाहिए नहीं, हम तो हम यहाँ पे इसको नॉर्मल जितना चाहिए हमें थोड़ा सा करेक्शंस कर देते हैं। -0.5, 0.3 में काम होना चाहिए। ओके, क्या था क्या हुआ देखना है, इसको ये ऑफ कर देता हूँ। थोड़ा सा डोंगर को हमने ब्राइटर कर दिया, सॉरी डार्कर कर दिया। ओके, थोड़ा सा मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई। ओके, ये आ गया ऑटो मास्क का काम। करेक्शंस फोटोशॉप जला करेक्शन हम लाइटरूम में कर सकते हैं। जी हाँ, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ लाइटरूम। मैं अवनिंद्र अरविंद लाइटरूम के मैजिकल दुनिया से आपको आज के दिन के लिए अलविदा चाहता हूँ। थैंक यू।